तो हम दोनों हो गए हैं तैयार और हम लोगों का पिकनिक बैग भी तैयार हो गया है। मेरे हबी ने आज मुझे ये येलो रोज दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल होम मेकिंग वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आज फ्राइडे है, इट्स फ्राइडे मॉर्निंग और बस हम लोग अभी नहा धोकर तैयार हुए हैं और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे से वीकेंड मोड ऑन हो जाता है। और आज हम ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज गोविंद की फर्स्ट प्ले डेट है यूएस में। हमने ट्यूसॉन में कभी भी कोई प्ले डेट गोविंद की नहीं कराई क्योंकि वहाँ पे बच्चे ही बहुत कम थे, तो देखने को ही नहीं मिलते थे बच्चे जो हम प्ले डेट कराते। बट यहाँ पे वो कम्युनिटी पार्क में जाता है तो उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए और जो उसके फ्रेंड्स हैं उसकी मम्मियाँ मेरी फ्रेंड्स बन गई। तो हम सारी मम्मियों ने मिलकर सोचा कि बच्चों का पिकनिक पार्टी करते हैं, पास में यहाँ पे एक बाहर कम्युनिटी के पार्क है तो हम सब मिलकर वहाँ जाने वाले हैं और बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे, उनका प्ले डेट कराएंगे, बच्चे वहाँ पे फन करेंगे, मम्मा भी चिल आउट करेंगी और सब मॉमीज अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के लेकर आ रही हैं। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ यमी फूड, लाइक कोई पुलाव बना के ला रहा है, कोई आलू के पराठे, कोई मैक एंड चीज बना के ला रहा है। तो मैंने सोचा कुछ स्टार्टर बना लेती हूँ, तो मैं आज पोटैटो लॉलीपॉप्स बना रही हूँ और आप लोगों के साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ईजी होता है, मैंने एक वीकेंड पे बनाया था और बहुत क्विकली बन गया था, बट बहुत डिलिशियस लगता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। सो मैंने सोचा चलो वो बना लेते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या प्रिपरेशन कर ली है ऑलरेडी। गोविंद आर यू एक्साइटेड? हाउ मच? आज गोविंद कहाँ जाने वाला है? स्विमिंग करने। स्विमिंग करने? किसके साथ जाएगा स्विमिंग करने? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ जाएगा? और फ्रेंड्स के साथ भी जाएगा? व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, सबको बता दो। एलेक्स है आपके फ्रेंड का नेम? एलेक्स तो नहीं है, एलेक्स है। अच्छा आप उसके साथ कैसे खेलोगे? ऐसे खेलोगे? अच्छा बहुत सारा प्ले करोगे और फिर पोटैटो लॉलीपॉप्स भी खाओगे, प्रॉमिस? थैंक यू। अब टाइम कितना चेंज हो गया है ना, बच्चे खुद से प्ले डेट करते हैं। मेरे को नहीं याद कि हम लोगों ने कभी ऐसा प्ले डेट वगैरह करी हो। हमारी मम्मी कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती थी हमारे खेल खिलौनों में। हम लोग तो ऐसे ही कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलते थे, मोहल्ले के जो बच्चे होते थे। और सच बताऊं कि वो जो फ्रेंडशिप होती थी ना उस टाइम की, वो बहुत अच्छी होती थी। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे फ्रेंड्स हमारे बच्चे बना पाएंगे। आई डोंट नो, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरे जो कॉलोनी वाले फ्रेंड्स हैं ना वो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरी एक फ्रेंड की तो जयपुर शादी हुई है और हम लोग अभी तक टच में हैं, हम लोग बातें करते हैं। उसकी भी एक बेटी है तो हम लोग अपने बच्चों की फ़ोटोज़ एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता था वो टाइम, मुझे लगता है कि अब लौट के नहीं आ सकता। वो टाइम कुछ अलग था, हमारा बचपन बहुत अलग था और बहुत अमेजिंग था। तो पोटैटो लॉलीपॉप्स बनाने के लिए मैंने ये 1.5 कप पोहा ले लिया है जिसे मैंने सोक करके रखा था थोड़ी देर पानी में, और अब इसे इसका एक्सेस पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। और ये मैंने करीब 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो को ग्रेट कर लिया है और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लिया है। हैंडफुल ऑफ कैश्यूज लिए हैं जिसे मैंने क्रश कर लिया है क्योंकि मैं बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये रेसिपी बना रही हूँ, अदरवाइज इसे आप चॉप भी कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिली ली है, ये बिल्कुल तीखी वाली नहीं है, माइल्ड है, तो ये शायद 1.5 ग्रीन चिली ही है। और थोड़े से कैश्यूज को मैंने बहुत ही बारीक काटा है, अगर आप चाहें तो इसे भी क्रश कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें छोला मसाला ऐड करूँगी। तो देखिए ये मेरे सारे लॉलीपॉप्स बन चुके हैं और अब मैं इसे शैलो फ्राई करूंगी। आप चाहे तो इसमें प्याज भी डालिएगा, प्याज बहुत क्रंची फ्लेवर बना देती है इनका। कुछ मेरे फ्रेंड्स प्याज नहीं खाते इसीलिए मैंने इसमें आज प्याज नहीं डाला। तो हम दोनों हो गए हैं तैयार और हम लोगों का पिकनिक बैग भी तैयार हो गया है। सब कुछ खाना वगैरह मैंने रख लिया है, चाय मैंने रख ली है, पानी रख लिया है थोड़ा सा, और मुझे टिश्यू पेपर लेकर जाने थे तो वो भी पैक कर लिए। और अभी मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय एक्स्ट्रा बनाई थी क्योंकि आज ना सुबह से मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो काफ़ी कड़क चाय है, मैंने सोचा थोड़ा चाय पी लेती हूँ क्योंकि वहाँ तो बच्चे के पीछे इतना बोलना पड़ेगा कि सर और ज़्यादा दुख जाएगा। और ये सुपर एक्साइटेड चैम्प यहाँ पर बैठा हुआ है। आर यू एक्साइटेड?
घर आ गए थे एट अराउंड 5 o'clock और बहुत मज़ेदार दिन था आज, बहुत मज़े की हमने. मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे थे और हम सारी मॉमीज चिल आउट कर रहे थे, बच्चों को भी ध्यान रख रहे थे, तो उसके बीच में ना बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग मेरे से हो नहीं पाई. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेड बाथ एंड बियॉन्ड, क्योंकि ना मेरा सोफ़ा गंदा हो रहा है तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ कवर लेती हूँ. एक्चुअली हमने सोफ़ा का बेड लिया है तो उसके ऊपर जो मेट्रेस है वो ट्विन साइज़ का है, तो मुझे ट्विन साइज़ का कवर चाहिए उसके लिए. तो वही अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, देखते हैं मिलता है तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी. अभी पता है जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने देखा ये येलो रोज रखा हुआ था गाड़ी में, तो मैंने अपने हबी से पूछा कि ये येलो रोज कहाँ से आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑफिस से लेकर आए थे, उनके ऑफिस के अराउंड ना बहुत सारे रोजेज हैं, तो वो आज ये येलो रोज मेरे लिए लेकर आए थे. तो मैंने उसे स्पॉट किया और एकदम से मैंने उन्हें पूछा कि भाई ये किसके लिए था, तो उन्होंने कहा मेरे लिए, बट मुझे नहीं पता ये किसके लिए था. किसके लिए था बताओ? सब तुम्हारे लिए. मुझे नहीं पता ये मेरे लिए था भी या गलती से मुझे मिल गया. गलती से मुझे मिला है? गलती तो हुई है, किससे ये नहीं पता. ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए ही होगा डेफिनेटली, तो यही सोच के मैं रख लेती हूँ. तुम घर पे थी नहीं ना आज, बाबू के साथ बाहर गई हुई थी इसलिए गाड़ी में रख लिया मैंने. अभी हम लोग घर आए हैं और मैंने सोचा कि दिखा दूं आप लोगों को मैंने बेड बाथ से क्या लिया है. ये मैंने फिटेड शीट ली है ट्विन साइज की, ये बैम सूट शायद ब्रांड है, देख लीजिए आप. और क्लियरेंस पे था, $12 का मुझे मिला है, तो मैंने सोचा चलो इसे ट्राई कर लेते हैं. एक्चुअली मुझे तो चाहिए था कि थोड़ा सा फ्लोरल प्रिंट हो, थोड़ा सा देखने में अच्छा सा हो, बट वहां पे सिर्फ सॉलिड कलर्स में ही अवेलेबल था तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं. और आज डिनर में अब मैं कुछ नहीं बना रही क्योंकि मेरे को बहुत टायर्ड फील हो रहा है. कुछ लॉलीपॉप्स अभी बचे हुए हैं तो ये हम लोग ब्रेड में लगा के खा लेंगे मैं और अंशुल, और गोविंद के लिए मैं मैगी बना रही हूँ. एक्चुअली क्या हुआ ना कि काफ़ी देर के लिए हम लोग गए थे, हम लोग 1 o'clock निकले थे और हम लोग 5 बजे लौटे हैं, तो बच्चे तो इतनी देर में पूरा थक गए थे. 4 बजे के बाद जब हम लोग वॉक करने लगे लेक के अराउंड तो बच्चे बिल्कुल चल ही नहीं रहे थे, सब बच्चे अपनी अपनी मम्मी की गोदी में चढ़ गए. तो बच्चों को गोदी में लेके जब हम चले ना तो बहुत थक गए, बस वो पार्ट जो था ना बहुत टायरिंग था. ये हमारा डिनर बन गया, मैंने थोड़ा सा ब्रेड को टोस्ट कर लिया और वहाँ पे गोविंद अपनी मैगी खा रहा है डैडी से. तो आज का यही डिनर था, कुछ मैंने कुक नहीं किया, जो भी लेफ्ट ओवर था उसका थोड़ा सा मेकओवर कर दिया और डिनर बन गया. सो यही होता है कभी कभार जब आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे आप सब लोग जानते हो सारा काम आप लोग सिंगल हैंडेडली हैंडल करते हो, लाइक आइदर मी और माई हस्बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी थिंग. सो फ्राइडे का दिन था, मैं तो ऑलरेडी थकी हुई थी और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आए थे तो बहुत टायर्ड थे, तो कुछ आज कुक करने का नहीं हुआ हमारा, तो सिंपल सा ये डिनर बना लिया. तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. अगर आपको ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया है और हमारी पार्क मस्ती पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें. और फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड.